भैया एक लड़की आई थी थाने में कंप्लेन लिखाने कि आप उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरे कहाँ घुमा फिरा के बात कर रहा है, जो बोलना है साफ साफ बोल। हम राजनेताओं को समझाना अहिया से दिल्ली पैदल जाना, ये दोनों बात बराबर है। हम राजनेता समझते नहीं बल्कि समझाते हैं। अरे कौन छीनाल की तू बात कर रहा है रे? अरे कौनो रेप उप नहीं हुआ है, वो रांड क्या बतियाएगी हमसे? पुलिस चौकी तो छोड़, अरे दुनिया के किसी भी कोने में जाके कंप्लेन करेगी, कौनो हमार कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझा कि नहीं? जा जाके ठंडा पानी से मुंह हाथ धो के गरम गरम चाय पी ला, इससे तो हर थकान दूर आई। जा जाके आराम कर, चल। शबनम कहूं या शराब कहूं या कहूं तुझको नागन, शबनम कहूं या शराब कहूं या कहूं तुझको नागन, मदहोश कर दिया आज तेरा यौवन। झुमके हो गाए झुमके नगिनिया बजार में, गाए झुमके नगिनिया बजार में, मेरे साथ जो घूमेगा दारू पिए बिन झूमेगा, मेरे साथ जो घूमेगा दारू पिए बिन झूमेगा, राजा नशा है हाँ राजा नशा है, राजा नशा है अंगूरी मेरे प्यार। बाजार में गाए झूम के नगिनिया बाजार में, गाए झूम के नगिनिया बाजार में। कहे मौसम ली हमको कोई अनार का जूस रे, हाँ कोई कहे मौसम ली हमको कोई अनार का जूस रे, आसत जास खु जन्नत का तो भी कर ले महसूस रे, कोई कहे मौसम ली हमको कोई अनार का जूस रे, आसत जास खु जन्नत का तो भी कर ले महसूस रे। यूपीएमपी महाराष्ट्र में हूँ ट्रेन सुपर फास्ट, यूपीएमपी महाराष्ट्र में हूँ ट्रेन सुपर फास्ट, आई धूम मचाने मैं बिहार में, गाए झूम के ओ गाए झूम के, गाए झूम के नगिनिया बाजार में, गाए झूम के नगिनिया बाजार में। है सेब की लाली उम्र 18 साल रे, कालों पे है सेब की लाली उम्र 18 साल रे, मक्खन की चिकनाई तन पे कमर से नीचे बाल रे, कालों पे है सेब की लाली उम्र 18 साल रे, मक्खन की चिकनाई तन पे कमर के नीचे बाल रे, मेरा घर पश्चिम बंगाल सुंदरता है बेमिसाल, मेरा घर पश्चिम बंगाल सुंदरता है बेमिसाल, टिकट दिलवाने आए हो दरबार में, गाए झूम के
बाजार में आए झूम के नगीनिया बाजार में। राजा राजा देख ल छुके इस मदमस्त जवानी को, राजा राजा देख ल छुके इस मदमस्त जवानी को, अपनी बाहों के घेरों में ले लो रूप की रानी को। राजा राजा देख ल छुके इस मदमस्त जवानी को, अपनी बाहों के घेरों में ले लो रूप की रानी को। मैं हूँ छोरी बिंदास मेरा आइटम झकास, मैं हूँ छोरी बिंदास मेरा आइटम झकास। मजा पाओगे मजा पाओगे झूम के नगीनिया बाजार में, गाय झूम के नगीनिया बाजार में, गाय झूम के हो गाय झूम के नगीनिया बाजार में, गाय झूम के नगीनिया बाजार में। तेरे साथ जो घूमेगा दारू पिए बिन झूमेगा, मेरे साथ जो घूमेगा दारू पिए बिन झूमेगा। राजा नशा है हाँ राजा नशा है, राजा नशा है अंगूरी मेरे प्यार में। आई झूम के हो आई झूम के हो आई झूम के नगीनिया बाजार में, आई झूम के नगीनिया बाजार में। या आप तो सिर्फ एक विधायक है, आप कोनो पुलिस कमिश्नर नहीं। आपने सलीम खान बेकी वहां छोड़ा, जब देखो किसी की भी पिटाई कर देते हो, सरासरी आपकी गुंडई है। अगर ऐसा ही गुंडई करोगी तो इस बार चुनाव में हार जाओगे और इसके बाद शायद ही कभी तुम जीत पाओगे। आप कोनो आईजी या डीआईजी नहीं जो आपका तबादला हो सके, लोग आपको कुर्सी से खींच फेंकेंगे और उस किसी पे कोई दूसरा कोई बेजमान हो जाएगा और आपके पीछे भूतपूर्व विधायक लग जाएगा, समझे नहीं। अगर कोई गलती करता है तो इसके लिए कानून है, आप नहीं। आप जिसको एक असुर मारते हैं उसकी पूजा तो पूरे विधानसभा में होती है और वो मुसलमानों के चहेता नेता है। हाँ शेखर बाबा, आज रियल में तूने हमारी आंख खोल दिया रे, हमरा से बहुत बड़ा गलती हुआ। आज से ये मुन्ना सिंह वो मुन्ना सिंह नहीं रहेगा, बल्कि आज से फरिश्ता बनेगा, रहबर बनेगा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इंसान बनेगा। सच में बाबा तूने हमारी आंख खोल दिया। आवा सलीम भाई, वो दिन हमरा से बहुत बड़ा गलती हो गया, हमरा से माफ कर दो। आज से ही मुन्ना सिंह वो मुन्ना सिंह नहीं है, बल्कि आज से ये मुन्ना सिंह इंसान बनकर के जिएगा, हैवान बनकर नहीं। ये बार हमरा के जिता दा, अगर तोरा मर्जी है तो हमरा के जितावा और ना ही तो छोड़ दा। जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा विधायक जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, मुन्ना सिंह जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, मुन्ना सिंह जीतेगा। प्रणाम माता जी, प्रणाम बाबू जी, प्रणाम प्रणाम माता जी, प्रणाम बाबू जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को हमारा प्रणाम। यहाँ पे जितने बच्चे बूढ़े जवान हैं, जितना माँ बहने वगैरह हैं, सभी को मेरा प्रणाम।
भैया आप सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ पे जितने बच्चे बूढ़े जवान माता वगैरह है सभी को मेरा प्रणाम। इस बार मुन्ना सिंह आप लोगों के सामने आया है वोट मांगने के लिए, मगर ये बार मुन्ना सिंह वो मुन्ना सिंह नहीं है, बल्कि ये मुन्ना सिंह इंसान बनकर जिएगा और इंसान जैसा ही पेश आएगा, हैवान नहीं। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। आप लोग जाति का नाम पर वोट नहीं दें, जो सही व्यक्ति है उसको चुने, उसको वोट दें। जाति के नाम पे मुल्ला पंडित विदेशी ताकत और नेताओं ने हम लोगों को गुमराह किया है, डिवाइडेशन किया है, बांट दिया है। हम लोग झूठ मूठ की जिंदगी को जी रहे हैं। जाति अगर हम में है तो सिर्फ नर और नारी, बाकी सब बकवास है। अगर हम में जाति होता हिंदू को सिंह होता और मुसलमान को दुम होता, और जितने भी नाना प्रकार के जाति हैं सभी में कुछ ना कुछ फर्क होता है। हम में तो जाति है ही नहीं। दुनिया से किसी भी कोने से एक औरत को पकड़ लीजिए और दुनिया के किसी भी कोने से एक मर्द को पकड़ लीजिए और दोनों का विवाह करा दिया जाए तो संतान उत्पन्न होगा या नहीं? एकदम होगा, एकदम होगा, हाँ होगा। और अगर हथिनी की शादी घोड़े से करा दिया जाए तो क्या संतान उत्पन्न होगा? नहीं। जाति अगर देखा जाए तो वो जानवरों में है, बल्कि हम इंसानों में नहीं। अगर हम इंसानों में जाति होता तो कुछ ना कुछ फर्क होता। मुसलमानों को सिंह होता, हिंदुओं को दुम होता, और जितने भी नाना प्रकार के जाति हैं कुछ ना कुछ फर्क होता। दुनिया में कोई तो नर और नारी पहला आया होगा, जहां से यह पूरा सृष्टि फैला है कोई तो होगा पहला नर और नारी, जहां से पूरा दुनिया फैला है। एक लेकर देखा जाए तो हम लोग सभी एक माँ बाप के संतान है। एक छोटा सा परिवार फैलते फैलते 100-150 का परिवार हो जाता है तो हम एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। दिल्ली रह रहा है, कोई बॉम्बे रह रहा है, जब तक वो बच्चा हमें परिचय नहीं देता है कि मैं फलाना व्यक्ति का बच्चा हूँ, जब तक मैं नहीं पहचान पाता हूँ। जब वो बच्चा परिचय देता है तब मुझे पता चलता है ये तो हमारा खून है, ये हमारा ब्लड है, तब उसे हम पहचानते हैं। ये दुनिया इतना बड़ा फैल चुका है तो हम एक दूसरे को कहां से पहचान पाएंगे? तो हम लोगों में जाति है ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, खून से वो रोड पर लथपथ होकर तड़प रहा है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? अरे इस व्यक्ति को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, ये बच जाएगा। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि तड़पने वाला हिंदू तड़प रहा है या मुसलमान तड़प रहा है। उस वक्त सिर्फ हमारे मुंह से यह निकलता है कि इस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाओ, ये बच जाएगा। उस वक्त हमें वो सिर्फ इंसान दिखाई देता है। कभी भी आप लोगों ने एक थाली में 10 कुत्ते को खाते हुए नहीं देखा होगा, मगर हम इंसान खा सकते हैं। फिर हम कुत्ते जैसी जिंदगी क्यों जीते हैं? तो हम इंसानों जैसी जिंदगी क्यों नहीं जीते? आज से हम लोग प्रण लेते हैं, हम लोग कसम खाते हैं कि हम लोग इंसान है, इंसान बनकर के जिएंगे, बल्कि जाति को लेकर के नहीं। ठीक है, इसके साथ ही हम विदा चाहते हैं। कैसे उतरिए आप?